मैं आज नमोनार जी के इस बंगले पर आके मैं उनसे मिला हूँ और मैंने उनको कहा है कि ये अपमान ना मैं सहन कर पा रहा हूँ ना इलाका सहन कर पा रहा है। जो बहुत बड़े कांग्रेस के स्थापित नेता हैं, 10 साल तक कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रहे, उनका गंगापुर में कांग्रेस के मंत्रियों MLAs द्वारा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, 3-3 गाड़ी रोकी इन्होंने बैठने के लिए, लेकिन इनको बैठा के नहीं लाए, इनका घोर अपमान किया, उसकी वेदना मेरे को बहुत ज़्यादा हुई, बहुत दुख हुआ। मैं आज नमोनार जी के इस बंगले पर आके मैं उनसे मिला हूँ और मैंने उनको कहा है कि ये अपमान ना मैं सहन कर पा रहा हूँ ना इलाका सहन कर पा रहा है। सब लोग इस बात से ग्रथित हैं और ये भावना आम जन में बन गई है कि जो कांग्रेस में मंत्री बन गए, वो मीणा नेता जो वहाँ पर थे, जो MLA बन गए हैं, उनके मैं नाम नहीं बनाना चाहता, जो इनकी मेहरबानी से भी बने हैं एक दो, वो इतने बड़े आदमी का अपमान करें, वह असहनीय है, उसको सहन नहीं किया जा सकता। और समय पर इसलिए इसका अपमान का बदला ये लें या न लें, नमोनारायण जी हम जरूर लें। किरोड़ी लाल मीणा जी इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर कौन से अपमान का बदला लेने की बात कह रहे हैं? पूरी बात समझ में आ जाएगी, बस ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए। देखिए, इस वीडियो में कुछ नेता गाड़ी में बैठकर रवाना हो रहे हैं, वहीं एक बुजुर्ग नेता भी पीछे से आते दिख रहे हैं, जिन्हें गाड़ी में बिठाए बिना ही गाड़ी निकल जाती है। फिर ये बेचारे इस उम्मीद में दूसरी गाड़ी की ओर बढ़ जाते हैं कि हो सकता है उसी में इन्हें कोई बिठा ले, लेकिन उसमें भी इन्हें नहीं बिठाया जाता। ये गाड़ी के पीछे भागते हैं, फिर भी गाड़ी निकल जाती है। इसके बाद ये पैदल ही किसी और गाड़ी में बैठने के लिए निकल जाते हैं। ये तस्वीरें कहाँ की हैं और इसमें कौन दिख रहा है, गाड़ी के पीछे कौन भाग रहा है, ये जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता और विधायक CM के काफिले के साथ निकलते हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा भी मौजूद थे, लेकिन वो जब अपने साथी कांग्रेस नेताओं के साथ गाड़ी में बैठने के लिए पहुंचे, तो उनका इस तरह से घोर अपमान किया गया। कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों ने अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की इस तरह से बेइज्जती कर दी। अब नमो नारायण मीणा के इस अपमान से किरोड़ी लाल मीणा काफी गुस्से में हैं। उन्होंने नमो नारायण मीणा के घर जाकर उनसे मुलाकात की है और उनके इस अपमान का बदला लेने की चेतावनी भी दे दी है। मंत्री गंगापुर में गए थे, कांग्रेस के सभी नेता वहां पर पहुंचे थे, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण जी भी गए थे। और जो बहुत बड़े कांग्रेस के स्थापित नेता हैं, 10 साल तक कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रहे, उनका गंगापुर में कांग्रेस के मंत्रियों MLAs द्वारा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, 3-3 गाड़ी रोकी इन्होंने बैठने के लिए, लेकिन इनको बैठा के नहीं लाए, इनका घोर अपमान किया, उसकी वेदना मेरे को बहुत ज़्यादा हुई, बहुत दुख हुआ। मैं आज नमोनारायण जी के इस बंगले पर आके मैं उनसे मिला हूँ और मैंने उनको कहा है कि ये अपमान ना मैं सहन कर पा रहा हूँ ना इलाका सहन कर पा रहा है। सब लोग इस बात से ग्रथित हैं और ये भावना आम जन में बन गई है कि जो कांग्रेस में मंत्री बन गए, वो मीणा नेता जो वहाँ पर थे, जो MLA बन गए हैं, उनके मैं नाम नहीं बनाना चाहता, जो इनकी मेहरबानी से भी बने हैं एक दो, वो इतने बड़े आदमी का अपमान करें, वह असहनीय है, उसको सहन नहीं किया जा सकता। और समय पर इसने इसका अपमान का बदला ये लें या न लें, नमोनारायण जी हम जरूर लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर पार्टी के बाकी नेता, कांग्रेस को एक आदर्शवादी पार्टी बताते हैं, ऐसी पार्टी जहां सबका समान तौर पर सम्मान होता है। खुद राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के नेताओं को पार्टी का एसेट बताते हैं, जिससे CM साहब भी सहमत हो चुके हैं। फिर आखिर ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस के इतने सीनियर नेता नमो नारायण मीणा के इस घोर अपमान पर भी अशोक गहलोत ने चुप्पी साध रखी है? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।